हेलो दोस्तों, मैं प्रगति। आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, आरटीके सच्चा भर्ती को लेकर काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एलटीगेट के जो बाकी विषय हैं उनके रिजल्ट बहुत जल्द आएंगे और सत्यापन की जो डेट है वो घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं पूरी अपडेट। तो एलटीके सच्चा भर्ती के लिए सत्यापन 15 से, जी हाँ दोस्तों, 15 अक्टूबर से एलटीके सच्चा भर्ती के जो सत्यापन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। और जैसा कि काफ़ी टाइम पहले जब मैं एलटीके सच्चा भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ देती थी उसमें मैंने बोला था कि पेपर रद्द नहीं होगा, और पेपर रद्द नहीं हुआ और सत्यापन स्टार्ट हो गए। तो काफ़ी खुशी की खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो लोग सत्यापन की डेट का इंतजार कर रहे थे। तो एलटीके सच्चा भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। अब तक जिन विषयों के परिणाम आए हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। इस मसले में बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी, और अगले ही दिन आयोग ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान दी। सत्यापन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। तो और दोस्तों, साथ ही साथ जो एलटीके सच्चे भर्ती के जो बाकी विषय हों जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं उसके लिए भी आश्वासन दिया गया है कि दिवाली से पहले सामाजिक विज्ञान और हिंदी का जो विषय का रिजल्ट है उनको रोककर सारे विषयों के जो रिजल्ट है वो निकाल दिए जाएंगे। तो दोस्तों, दिवाली से पहले पहले आपको जो बाकी विषय हैं उनके रिजल्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ऑफिशियल साइट पर जाकर इसका जो ऑफिशियल लेटर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो नोटिस जारी गया है वो उसे देख सकते हैं। और आपका जिस भी डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है आप उसको देखकर वहाँ उपस्थित हों। तो दोस्तों, अभी के वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।